ऑरिजिन डाल दूँ भैया। तो ये भैया जो मुझे सबसे पहले मिले थे यहाँ पे, तो भैया आप बताओगे थोड़ा यहाँ के पिज़्ज़ा के बारे में। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत टेस्ट है और मैं यहाँ से निकलता था, पहली बार मैंने जब खाया एक साल पहले खाया था यहाँ पे। अच्छा। तो मेरे को बहुत टेस्ट लगा था। जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ मैं खाता हूँ और इनका फ़ोन नंबर मैंने ले लिया। फ़ोन पहले ही फ़ोन कर देता हूँ ताकि कोई कस्टमर होते हैं मतलब वेट करना। एक साल से इतना आपको यहाँ का पसंद है कि आप पहले फ़ोन करके कह देते हो कि मेरा कैसे बनेगा। हाँ भाई कैसे बनेगा। ये करारा है, करारा बनवाया मैंने। अच्छा, क्योंकि आपको करारा खाना पसंद है। आप फोन इसलिए करते हो पहले क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है। क्राउड होता है और थोड़ा क्राउड होने के बाद मैं आऊँगा तो वेट करना पड़ेगा, तो मैं पहले फोन। और यहाँ के आप कौन सा वाला खा रहे हो, ये कौन सा है? ये सिंपली वेज। आप यही खाते हो और भी कुछ ट्राई करते हो? यही खाते हो। तो आप यहाँ के मतलब अगर पिज्जा की हम बात करें तो कितने आप रेटिंग दोगे? बहुत औसम बोलोगे इस यहाँ का? बहुत बढ़िया है, जब तो लाजवाब लाजवाब है, जब तो यहाँ रुक के खाता हूँ मैं। अच्छा। मैं तो आता भी यहाँ से, बड़ी दूर से आते हो? दूर से आता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं अभी कहीं काम से गया हुआ था, उसके बाद मैं घर जा रहा था, तो मुझे ये एक छोटा सा पिज़्ज़ा कॉर्नर मिला। पिज़्ज़ा कॉर्नर ये पिज़्ज़ा यहाँ पे बनते हैं, एक ठेली पे बहुत अच्छा सेटअप कर रखा है और मेरे साथ है जो यहाँ पे बनाते हैं, शरीफ भाई। तो शरीफ भाई मुझे ये बताओ कि कितने सालों से आप बना रहे हो अभी यहाँ पे? यहाँ 1 साल से काम कर रहा हूँ। 1 साल से? हाँ जी। और पिज़्ज़ा ही बनाते हो सिर्फ आप? हाँ जी। तो मुझे एक बेहतरीन सा पिज़्ज़ा बना दो आप, कौन सा वाला बनाने वाले हो? आपका दिल करेगा। ये रहा इनका मेन्यू और इनके मेन्यू में मार्गरेटा है, सिंपली वेज है, वेज डिलाइट है और सारे आपको 50 रुपये से लेके, जो मैक्सिमम इनका सबसे बड़ा वाला साइज़ है वो 350 तक जाता है। तो मैं यहाँ पे बनवाता हूँ। सबसे बढ़िया कौन सा है? 14, 15, 10, 6 नंबर। बाकी आप बताओ, जो आप मुझे बोलोगे वही खाऊंगा मैं, जो आपकी चॉइस है। बाकी सबसे बढ़िया जो बना सकते हो, सबसे बढ़िया 14, 15। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं तंदूरी स्पेशल। इसका जो प्राइस है वो स्मॉल में 110, मीडियम में 180 और सबसे बड़ा जो है वो है 300 रुपये का। ठीक है, बहुत अच्छा मुझे यहाँ लगा। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी और अभी सबसे पहले तो पिज़्ज़ा बनवाते हैं, उसके बाद खाते हैं यहाँ कैसा पिज़्ज़ा बनता है। तो ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा बेस। हाँ जी हाँ जी, ये पिज़्ज़ा टॉपिंग बोलते हैं। पिज़्ज़ा टॉपिंग आ गई है हमारी। हाँ जी। ये डाल दी उन्होंने प्याज, टमाटर। तंदूरी स्पेशल में और क्या डालोगे? और चीज़ पड़ेगी। पनीर लगा रहे हो? पनीर पनीर। ये क्या लगा रहे हो आप? जेलो पीलो खत्म हो रही है। जेलो पीलो डल रही है। ब्लैक ऑलिव भी है इनके पास। ये इन्होंने दोबारा से तंदूरी टॉपिंग डाल दी इसके ऊपर। और ये है हमारा पिज्ज़ा अंदर। तो जब तक हमारा पिज़्ज़ा बनकर आता है तब तक हम लोग कुछ शरीफ भाई के बारे में बता देते हैं। जो ये आपने स्टॉल देखा, जो ये रेहड़ी देखी, सराय काले खां से पहले गुरुद्वारा बाला साहिब है। आश्रम की तरफ से अगर हम लोग आते हैं तो ये वहाँ पे पड़ता है। इनके जो टाइमिंग्स थे वो टाइमिंग्स हैं, ये शाम को 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे आते हैं और 10:30 बजे ये यहाँ से चले जाते हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई थी, पीछे आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग हैं जो बैठ के खा रहे हैं। तो अब पिज़्ज़ा की ले लो सबसे पहली बाइट और फिर बताता हूँ मैं कैसा है। टॉपिंग्स, चीज़, एलोपिनो, ब्लैक ऑलिव, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा डाल रखा है इन्होंने और मेरे मुंह में ना पानी आ गया है। एक चीज़ और मेरे से रहा नहीं गया, मैं खाना खाते खाते आपको बता रहा हूँ, पिज़्ज़ा खाते खाते आपको बता रहा हूँ। ऐसे तीसरे कस्टमर थे जो इनके पास आए और इन्होंने इनको बोला कि भाई तू मेरे लिए क्यों नहीं बना रहा, मुझे ये बता दे मैंने तेरे को फ़ोन किया था, तेरा फ़ोन क्यों नहीं करता। तो मतलब यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है कि लोग फ़ोन कर देते हैं पहले ही, आधे पौने घंटे पहले ही। और अगर आप यहाँ से आसपास कहीं से जा रहे हो तो आप यहाँ पे आओ और ज़रूर ट्राई करो, सच में ये लाजवाब है। तो अब चलते चलते बस एक ही चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इतनी सारी चीज़ें अभी और भी बहुत कुछ आना रहता है। आइए यहाँ पर पिज़्ज़ा खाइए, काली ब्रेड खाइए, बहुत लाजवाब है।